व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, क्योंकि उसमें हम देखने वाले हैं दुनिया के कुछ सबसे ज़्यादा डरावने काले सच। ये वो सच हैं जिनको देखकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे, आप कहने लगेंगे कि काश ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। जो आज हम आपको वीडियोस दिखाने वाले हैं वो वीडियोस बहुत ज़्यादा भयानक हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट कैप्चर हुए हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो करते हैं धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। ये वीडियो जून 2020 में अपलोड किया गया था और इसके अंदर इस घर की मालकिन ने एक अजीबोगरीब रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने बताया कि उनके घर के बाहर एक अनजान व्यक्ति आता है और घर के बाहर रखी पानी की कैंस में एक जहरीली दवा का इंजेक्शन लगाकर गायब हो जाता है। अगले दिन जब इस औरत ने पानी की बॉटल चेक की तो उसको इसमें थोड़ा सा गड़बड़ नजर आई। उसको वो होल नजर आ गया जो कि इंजेक्शन की वजह से उस बॉटल में हुआ था। उसने फौरन अपना सीसीटीवी फुटेज चेक किया, तब जाके उसके सामने ये भयानक तस्वीरें आ गईं। फौरन इस औरत ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस अभी भी इस व्यक्ति की तलाश में लगी हुई है। पुलिस ये आइडेंटिफाइड नहीं कर पाई है कि ये बंदा कौन है, और ये औरत भी परेशान है कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता था जबकि उसकी इससे कोई दुश्मनी नहीं है। हमेशा इंसान अपनी मस्ती में मस्त नजर आता है, लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि अगले ही मोड़ पर खड़ी हुई उसकी मौत उसका इंतजार कर रही होती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कार आकर रुकती है, कार के अंदर भी एक लड़की बैठी हुई है। लड़की सेल्समैन लड़की से कुछ ऑर्डर करती है, सेल्समैन लड़की उसका सामान निकालकर उसके पास ला रही होती है। लड़की सामान निकालने में लगी होती है, लेकिन उसे अगले ही पल का ये अंदाजा नहीं रहता कि एक तेज रफ्तार में आता हुआ ट्रक का बड़ा सा टायर इन दोनों के बहुत ज्यादा नजदीक से निकलता है। टायर सीधा जाकर दुकान के पोल से टकराता है, पूरी दुकान का बोर्ड हिलने लगता है। यहाँ पर गौर करने वाली एक बात और है, जब टायर तेज स्पीड में आता है तो कार में जो लड़की बैठी है वो उसके हाथ से टकराता हुआ जाता है, जिसकी वजह से उस लड़की का हाथ टूट जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस ट्रक का ये टायर निकला है उस ट्रक का क्या हुआ। दरअसल वो भी एक दीवार में जाकर घुस जाता है, लेकिन किसी भी जान की हानि नहीं होती। ये वीडियो फुटेज आया है रशिया से और यहाँ पर एक अजीबोगरीब किस्सा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री है जहाँ पर फिश को पैक करने का काम चल रहा है। तभी अचानक से इन लोगों की नज़र चूकती है, वैसे ही बाहर से एक बड़ा सा भालू अंदर आ जाता है। भालू इतना धीरे से अंदर आता है कि इन लोगों को कोई खबर नहीं रहती। लेफ्ट हैंड साइड में जो एक गाड़ी खड़ी है उसमें जो बंदा बैठा है वो भालू को देखकर चीखता है, जिसके बाद जो वर्कर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं वह फौरन अपनी जान बचाकर अंदर की तरफ भागने लगते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो भालू है इन मछलियों की खुशबू सूंघकर ही अंदर आया होगा, क्योंकि किसी भी भालू को मछलियां खाना बहुत पसंद होती हैं। बाय द वे, आज इन सब लोगों की किस्मत अच्छी थी जो इनकी जान बच गई। ये वीडियो है स्वीडन से और यहाँ पर इस लड़के को स्केटबोर्डिंग करना बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। वैसे देखा जाए तो इसकी भी कोई गलती नहीं है, ये तेज स्पीड में आ रहा था, बीच में पानी का एक पाइप है जो रोड पर पड़ा हुआ है। ये तेज स्पीड में है, ये कुछ समझ पाता उससे पहले ये पाइप में अटक जाता है, यानी कि इसका स्केटबोर्ड तो वहीं रह जाता है और ये तकरीबन 8 फीट दूर जाकर फेंका जाता है। इस लड़के को काफ़ी गंभीर चोटें आती हैं और फौरन ही इसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, क्योंकि जब ये गिरता है तो ये उसके मुंह के बल गिरता है जिसकी वजह से ये चोटें काफ़ी गंभीर बन जाती हैं। यहाँ पर इस लड़के की ये गलती थी कि स्केटबोर्डिंग करते टाइम इसका ध्यान कहीं और ही था। अगर पहले से ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेता तो ये शायद अपनी स्पीड स्लो कर सकता था। और दूसरी गलती इस पाइप लगाने वाले बंदे की भी है, क्योंकि जब ये चालू रोड है तो आप बीच में इस टाइप से पाइप कैसे लगा सकते हैं। अगर आपने भी कभी इसी टाइप की किसी सिचुएशन का सामना किया हो तो कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। कई लोग कहते हैं कि बुरे कर्मों की सज़ा आपको ज़िंदगी में यानी कि दुनिया में ही मिल जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही किस्सा हम देखने वाले हैं। ये जो बंदा आपको नज़र आ रहा है ये एक चोर है और इस कार के अंदर रखी चीज़ों पर ही अपना हाथ साफ करना चाहता है, जिसके लिए ये एक पत्थर लेकर आता है, एक ईंट लेकर आता है और उस ईंट को उठाकर इस कार के विंडो पर मारने की कोशिश करता है और बदले में ये होता है। उस कार का शीशा काफी ज्यादा मजबूत था, वो ईंट वापस बाउंस करके इसके ही मुंह पर लगती है, जिसके बाद इसका सर चकरा जाता है और ये इस कार को इसी हालत में छोड़कर वहां से भाग खड़ा होता है। कई लोग इसे इंस्टेंट कर्मा भी बोलते हैं, यानी कि जो आप करते हैं वो फौरन ही आपके सामने आ जाता है।
आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। इस वीडियो में जो हिम्मत इस 65 साल की बुजुर्ग महिला ने दिखाई, अगर ऐसा सब लोग दिखाने लग जाएं तो कोई भी देश को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप देख सकते हैं इसके स्टोर में एक चोर घुसाता है जो इससे पैसे की वसूली करना चाहता है। इसके काउंटर में से कैश लेकर भागना चाहता है, तभी ये अपनी लाठी लेकर उसकी हालत खराब कर देती है। उसे बहुत लाठियां मारती हैं, जिसके बाद वो बेसुध होकर वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। अक्सर जो चोर होते हैं वो बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि जो बुजुर्ग हैं वो काफी कमजोर हैं, हम इजीली उन्हें लूट सकते हैं। लेकिन इस औरत ने ये यहाँ पर जो कारनामा किया उससे ये साबित कर दिया कि अगर बुजुर्ग भी चाहें और उनके पास में विल पावर है, इच्छा शक्ति है, तो वो इस टाइप की चीजों को फेस कर सकते हैं। बाय द वे, ये चैनल इस औरत के जज्बे को सलाम करता है और साथ में आपको भी ये सजेस्ट करना चाहता है कि अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन आती है तो आप उसे फेस करिए, ना कि उससे पीछे भागिए। ये वीडियो आया है नॉर्दर्न चाइना से और यहाँ पर इस लड़के ने चलते चलते ही एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी। ये लड़का रोड पर से जा रहा था, वहाँ पर गटर का एक होल था जिस पर ढक्कन लगा हुआ था। इसने जैसे ही जलती हुई माचिस उसमें डाली, आप देख सकते हैं कि एक ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद ये पूरा 360 डिग्री में घूम कर नीचे गिर गया। इसके बाद जो आसपास के लोग थे और जो आदमी आपको दिख रहा है कि वहाँ पर खड़ा हुआ था, वो भी इसकी वजह से काफ़ी बुरी तरीके से डर जाता है। और फिर वो लड़का वहाँ से लड़खड़ाता हुआ खड़ा होता है और लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तभी एक आदमी और पीछे से आकर पूरा माजरा जानने की कोशिश करता है। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और मौके पर ही एम्बुलेंस भी आ जाती है। हालांकि ये लड़का बहुत बुरी तरह से जख्मी भी हो जाता है। हमारे यहाँ इंडिया में भी ज़्यादातर शहरों में अब ये गैस की लाइन अंडरग्राउंड होने लगी है, तो क्या ये सेफ है? चाइना जैसी जगह पर अगर इस टाइप का हादसा हो सकता है तो क्या हमारे देश में ये नहीं होगा? ये श्योर है? आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहते हैं आप इस इंसिडेंट के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये फुटेज आया यूएस से और वहाँ पर लोग अपने घरों में आया रखते हैं, जिसे वहाँ पर नैनी कहा जाता है। ये वो लेडी होती है जो घर में बच्चों को संभालती है, खाना पकाती है। ऐसी ही एक आया है, ऐसी ही एक नैनी है, इनका नाम है एलिजाबेथ। यहाँ पर ये जो दंपत्ति है ये दिन में काम करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद इनका बच्चा घर पर अकेला रहता है और ये नैनी उसकी मदद करती है हर काम में और उसकी सिक्योरिटी भी करती है। लेकिन एलिजाबेथ बताती है कि एक शाम वो जब इस बच्चे के साथ थी, इसे ऊपर वाले फ्लोर से कुछ आवाज़ें आईं। ये ऊपर गई तो इसने देखा कि वहाँ पर यह चोर लड़का घूम रहा था और सारे ही घर का कीमती सामान साफ कर रहा था। ये लड़की एलिजाबेथ इतनी ज़्यादा बहादुर थी कि वो इस लड़के से भिड़ गई और इस लड़के को भगाने में कामयाब रही। हालांकि उसे ये खतरा था कि वो लड़का इनके ऊपर हमला कर सकता है, स्पेशली बच्चे के ऊपर। तो ये बच्चे को लेकर भी बाहर की तरफ भागने में ही अपनी भलाई समझती है, जाकर पड़ोसियों को बताती है और फिर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। बच्चे के माँ बाप इस नैनी की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहते हैं और उसे काफ़ी दुआएँ देते हैं, क्योंकि आज उसने उनके बच्चे को बचा लिया था। कहा जाता है कि आज की औरतें किसी भी मर्द से कम नहीं है। वाकई में सही बात है, क्योंकि यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि तीन चोर एक घर में चुपचाप से घुस आते हैं, जिसमें एक महिला भी है। इसमें से एक जो चोर है वो थोड़ी सी बेवकूफ़ी करता हुआ यहाँ नजर आता है, उसी की वजह से ये फुटेज हम आपको दिखा भी रहे हैं। आप देख सकते हैं वो क्लियरली चलकर कैमरा के सामने आ जाता है, कैमरा से उसकी नज़रें भी मिल जाती हैं। वो ये देखकर थोड़ा सा झेंपता है, उसके बाद उसे कुछ समझ नहीं पड़ती, वो कुछ चीज़ हाथ में उठाकर उस कैमरे को तोड़ देता है। वो ये बिल्कुल भी नहीं सोचता कि उसका चेहरा पहले ही कैमरा में कैप्चर हो चुका है और उसकी इसी बेवकूफ़ी की वजह से ये तीनों चोर पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि पुलिस इस लड़के को आइडेंटिफाई कर लेती है, जिसके बाद आसानी से इन्हें ढूंढ भी लेती है। ये वीडियो आया है ऑस्ट्रेलिया से और ये आदमी जो आपको नज़र आ रहा है, इसका अजीबोगरीब डांस पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। और ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इसके पीछे की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये अभी का हाल ही का वीडियो है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के बावजूद इसकी ड्यूटी यहाँ पर लगी है, क्योंकि ये एक जू का गेटकीपर है, जू यानी कि चिड़ियाघर। इस जू में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये बंदा बोर फील कर रहा था, तभी इसने ये अजीबोगरीब डांस करना स्टार्ट किया और यहाँ पर लगे CCTV कैमरा ने इसे कैप्चर कर लिया और फिर ये वीडियो पूरी दुनिया भर में वायरल हो गया। इससे ये सीख मिलती है कि हर कोई अगर चाहे तो वो हर छोटी छोटी चीज़ में इंजॉयमेंट ढूंढ सकता है और लॉकडाउन के ये कठिन दिन इजीली काट सकता है। वीडियो के अंत में यही रिक्वेस्ट है
कि अपना और अपने परिवार का हौसला बनाए रखें, बेशक जीत हमारी ही होगी। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है, जहां पर हमने देखी कुछ ऐसी अजब गजब वीडियोस जो चौंका देने और डरा देने वाली थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी करें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।